हाँ सर ठीक है, तुम आगे चलो आप दो लाभ है ना भैया सुमन को बवाल है बाद में यार। अब देखिए ले जाने का मेरा है, निकलने का आपका। जगह जगह चार रास्ते हैं, तीन गलत एक सही है, भूल भलिया सबसे अच्छा लिखा हुआ क्या ऊपर से गायब हो जाएगा तो भैया देखो यार चार रास्ते शुरू हो रहे थे, एक दो तीन चार, तीन गलत और एक सही। आइए अंदर गलत तो वहीं से स्टार्ट कीजिए ना पहुंचा देखिए सर भोल भरैया में आपको लाए हैं, ये पहला सवाल आपको दिखा है 330 फीट लंबा, जिसमें आपके सामने 15 फीट का चौड़ा दीवार है, चलो सर 2.5 ढाई फीट का अंडरग्राउंड दीवारों में चल रही आई आई पिछाई सर आप लोग आइए आप जाइए आराम से। देखिए ये सुरंग यहाँ से गया है अंडरग्राउंड स्वर्ग हो गया, नीचे आ सकता तुम जगह बनाओ जाके देखने से नहीं जाओ आ जाओ अब जगह बना लो अब खड़ा जी सब घाट के अंदर ये सुरंग अंडरग्राउंड निकाला गया शहर के बाहर, कोई दिल्ली तक सुरंग नहीं है, कहते हैं लोग दिल्ली आगरा सुरंग गया शहर के बाहर। ये दीवार बाद में सही गवर्नमेंट द्वारा बंद किया है कि नौजवान बच्चे मन के अंदर घुस जाते थे तो आदमी का साथ दूसरे खतरा से नीचे से ही बंद कर देगा ऊपर से ही बंद कर देगा। नीचे बंद है ये टर्निंग निकाला गया था शहर का, दुश्मन को सामने गेट से हम देखेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। आइए दुश्मन गेट दिखा आपको, आइए चल दुश्मन और कर देंगे दुश्मन तो आप है फिर सर देखिए मेन रोड दिखाई दे रहा है 900 फीट का दूरी है सर, जमाने में आपको जाना आमीन बच्चों को क्यों लग रहा है अबे आमीन बच्चों को क्यों लग रहा मुझे खा टेंशन हम देते नहीं देते भैया लोगों को आइए आप साइड में आगे अब आपको ले चलेंगे हम सेकंड फ्लोर जहाँ बोलते हैं फुसल फुसल मत करो दीवारों के कान के आवाज में तुमको काली नहीं मार आगे देखिए तुमको पता चलेगी नहीं दीवार सब आवाज नहीं देगी अरे उसको जाए गाली दे दो ना गाइड को देखिए उसको पता चलेगी मैं कमेंट भी कर दे रहा हूँ बीच में रिक्सी चल रहा
आगे मैम चलेगी और सेकंड फ्लोर जहाँ बोलते हैं आहिस्ता आहिस्ता बात करो दीवारों के बारे में। आपको दीवार में क्या आवाज है? दीवार चले तेमन क्या होता है जा जा पकड़ा शराफत आ जाएगा पास मुझे ही दूर वो जाने दे बाकी चल रहा सुना दे लोग चाय पर क्या दिख रहा है लोग ने उन लोग के बैठ के दिए वजीर लोग एक बार खिला आगे से भी क्या बोला चलो चलो हाँ ठीक है आ रही सुनो यार इधर रे चुप पे चलो बहुत देर से बकवास कर रहे हो ये चुपकी चुपकी हैं चुपकी क्यों बकवास नहीं तो ज्यादा बोलो ना चलो चलो बहस नहीं तो चुप पे नहीं चला जा रहा तुमसे ये थप्पड़ सोने को धरी घुस जाओगे किससे बात करो जैसे किसी ने कहा था सुनो आपने कहा व्यवस्थित हो जाए सर देखिए हमने वहाँ से बोला आपने यहाँ मतलब सुना मेरी बात को हम वहाँ से बोलेंगे आप यहाँ मेरी बात को सुनिए आपका नाम क्या है प्लीज सारे सुनिएगा आप अपना नाम बता दो भैया अमन सुन लीजिएगा फिर कानों को लगाने दीवारों को लगाने का कैसे सुन जाएगा अब सुन जाएगा कि कान लगाने पड़ेंगे दीवार पे आ रही है आ जाओ आ रही है आ जाओ जी हाँ सर अमन सुनाइए भैया किसी की बुराई मत करो गिरबत मत करो दीवार यहाँ पे ऐसा बनाया गया कि आप सुन आइए छोटो बदलू वाला जो काम था अरे मोटू बदलू वाला अलीपुर वाला आइए सर ऊपर चलेंगे आप थर्ड फ्लोर हाँ थर्ड फ्लोर ये आपको तीसरा फ्लोर हम लेके आए यहाँ पे क्या रास्ते खुले मिलेंगे रास्ते चौदह जाएंगे आइए सामने हमें रेड कर के मीडिया को हल्का क्या है थोड़ा ज्यादा रहता तो गिर जाता जो पहली आपको शुरू की थी हमने फाइव फिफ्टी और यहाँ पहली हो गई फाइव फिफ्टी
ये होता है बिल्डिंग की खासियत, ये बिल्डिंग जो बनी है आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग को ऊपर से हल्का रखे हैं, रास्ता को चौड़ा करते हैं कि लोड ना आए, लोड आ जाएगा तो बिल्डिंग आपकी डिस्ट्रेस होती है। पूरा डिजाइन लिखे हल्का करके बैठ कर लें, यहाँ पर सिपाही लोग खड़ा है तो नवाब लोग किसी कुर्सी में वो थोड़ा सा लेट सकता है, बैठ सकता है, देख सकता है। ये नीचे जो हॉल है वाला, ये उसका गुम्बद है, ये गुम्बद अगर टॉप पे ना लेते तो फिर आप चढ़ ना पाते, तो इनको थर्ड फ्लोर में कन्वर्ट करके मिला जाएंगे, इसका पूरा गोल करके सी मिला दिया, छत बिल्कुल कई बार अब आपको छत दे चले जाएंगे। पहले मैटिंग नहीं पड़ी थी अंदर सर, बाकी जो अभी उद्योगपति आती है इन लोग की चिरी, तो इन्होंने सब यहाँ काम किया, हालांकि वो लोग आए नहीं कोई, तो हम लोग काम करेंगे। सरकार जो पैसा अपने पास आती है तो खर्चा करती है, आपको ट्राई कराने छोड़ेंगे।